आज की वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान देने वाले चंद्रशेखर वेंकट रमन की। जीवन में अत्यंत संघर्ष होने के बावजूद उन्होंने ऐसी पहचान बनाई जिससे आज उनका नाम आदर से लिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में देश को स्वावलंबन की राह पर आगे बढ़ाते हुए दुनिया भर में पहचान दिलाने वाले तमाम वैज्ञानिकों का अहम योगदान रहा है। इनमें चंद्रशेखर वेंकट रमन ऐसे विज्ञानी थे जिन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए विज्ञान के क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया। इनका जन्म 7 नवम्बर 1888 को तमिलनाडु में हुआ था। वे विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय विज्ञानी बने। विज्ञान में नोबेल पाने वाले रमन जी पहले एशियाई भी थे और इतना ही नहीं, वे पहले अश्वेत भी थे। उन्हें 1930 में भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। विज्ञान में प्रकाश के अध्ययन में रमन प्रभाव का प्रमुखता से जिक्र होता है। यह उन्हीं की खोज पर आधारित है और उन्हीं के नाम से जाना भी जाता है। रमन प्रभाव की खोज वर्ष 1928 में हुई। विज्ञान के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान देने के लिए उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। चंद्रशेखर वेंकट रमन दूसरों से बिल्कुल अलग थे। विज्ञान के प्रति उनमें अगाध लगाव था। कुशाग्र बुद्धि के रमन ने 16 साल की उम्र में ही तत्कालीन मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली थी। प्रतिभा के धनी वेंकट रमन अपनी कक्षा में हमेशा टॉपर रहे। 18 साल की उम्र में अपना पहला रिसर्च पेपर लिखा। पिता के कहने पर रमन ने 1907 में फाइनेंशियल सिविल सर्विस की परीक्षा दी, जिसमें भी वे अव्वल रहे। कोलकाता के इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंसेस यानी IACS में रमन शाम के समय और छुट्टियों के दिनों में प्राय अकेले ही शोध करते थे और शोध की गुणवत्ता भी ऐसी थी कि एक के बाद एक उनके 27 शोध पत्र प्रतिष्ठित जर्नलों में प्रकाशित हुए। भौतिकी और शोध के लिए उनका समर्पण इतना ज़्यादा था कि उन्होंने IACS के पड़ोस में ही घर ले लिया ताकि शोध करने में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगा सकें। जब रमन सिर्फ 29 साल के थे तब 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति सर आशुतोष मुखर्जी ने उन्हें विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर आने का प्रस्ताव दिया। अपनी मौजूद नौकरी की तुलना में कम वेतन होने के बावजूद उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और पढ़ाने के साथ साथ अनुसंधान में भी जुटे रहे। 1933 से 1948 तक रमन भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के प्रोफेसर रहे और उसके बाद रमन शोध संस्थान के निदेशक भी रहे, जिसे उन्होंने खुद स्थापित किया था। उन्होंने 1926 में भारतीय भौतिकी जनरल की स्थापना भी की और 1934 में भारतीय विज्ञान अकादमी शुरू की। वे देश के ऐसे प्रतिभाशाली विज्ञानी थे जिनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। आशा करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।